माननीय कमलनाथ जी ने नई आबकारी नीति बनाई है, वो जनता के हित में है। अभी तक शराब माफिया गांव-गांव में नकली और अवैध शराब बेचते थे। कई जगह ऐसी शिकायतें मिली हैं कि यूरिया की बनी हुई बेशरम का पौधा जो जहरीला होता है उससे शराब निकालते थे, और कई अन्य जहरीली दवाओं जहरीली वस्तुओं से दवा शराब उतार कर गांव-गांव में बेचा करते थे। उनको रोकने के लिए ये नई नीति बनाई गई है, ताकि विधिवत ठेकेदार जो जिसने सरकार को पैसा दिया है वो अपने क्षेत्र में अपनी दुकान खोल ले, ताकि सही शराब लोगों को मिले उच्च क्वालिटी की। अवैध शराब निम्न स्तर की शराब पीने से जो बीमारियां और मौत होती हैं उस पर रोक लग सके। इसके साथ ही शिवराज सिंह जो 15 वर्ष सरकार में रहे तब उनके आंसू नहीं बहे, तब शिवराज सिंह आज केवल अपने मोदी को खुश करने के लिए लगातार इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। अगर उनको इतनी ही चिंता थी तो अपने 13 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में शराबबंदी करना चाहिए थी। इसके साथ ही शराब कई लोगों को बीमारी में भी आवश्यकता पड़ती है। कई लोग ऐसे हैं जिनके बताते हैं कि हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहने के लिए हमें एक पैक डॉक्टरों ने बताया है उससे हम स्वस्थ रहते हैं, तो शराब कहीं दवा के रूप में भी है। इस प्रकार शिवराज सिंह का अभियान केवल दिखावा है, और भारतीय जनता पार्टी की जितने स्टेट में आज सरकारें हैं वहाँ क्यों नहीं शिवराज सिंह जाके आंसू बहा रहे? केवल मध्य प्रदेश दिख रहा है उनको, उनकी छटपटाहट है उनकी मुख्यमंत्री पद जाने की। सर उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि शराब बंद कर देनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री शिवराज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से अनुरोध करता हूँ कि पहली चिट्ठी में वो जहाँ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनके मुख्यमंत्रियों को लिखें, मोदी जी को लिखें। जब मोदी जी CAA का कानून बनाकर जनता की इच्छा के विरुद्ध सौंप सकते हैं, भारत में रहने वाले नागरिकों को रहने का प्रमाण पत्र मांगते हैं, तो वहाँ से आज बहुमत में सरकार है, भारत सरकार नीति बनाकर पूरा कानून संशोधन करके प्रतिबंध लगा दे तो अपने आप सब पूरे देश में बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार का उनको शिवराज सिंह जी को मोदी से जाके कहें कि पहले अपना गला बांध झांके तब दूसरे पर आरोप लगाएं। आपका एक बयान भी आया जिसमें कहा कि न्याय अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जाए। पूरी तरह से ये प्रजातंत्र है, प्रजातांत्रिक देश है, हर आदमी को पूरे देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार है, कुछ भी अपने वेज नॉन वेज खाने का अधिकार है। तो हम किसी को पीने के पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ये प्रजातंत्र में लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। अपनी इच्छा के अनुसार अगर आदमी कोई शराब पीता है तो ये प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। कई लोगों के लिए शौक है, तो इस प्रकार का हमारी मानसिकता जबरदस्ती किसी पे प्रतिबंध खाने पीने पर प्रतिबंध लगाने की न मेरी है न कांग्रेस पार्टी की है। लेकिन वो तो उनका लगातार विरोध ही कर रहे हैं कि पीने वालों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि कई चीजें गलत हो रही है, महिलाओं के लापते। अब शिवराज सिंह पहले अपना 15 साल का कार्यकाल देख ले, उन्होंने क्या नहीं किया। उनके गांव किसान मारे जाते रहे, रेप की घटनाएं भोपाल के नाक के नीचे होती रही पुलिस के नीचे, अब तब उनको नहीं दिखता था। आज तो उनकी केवल पद की छटपटाहट है कि किसी भी तरह से हमें मोदी को खुश करें और कहीं ना कहीं हमें स्थापित करें। आपने उस बयान में एक चीज का और जिक्र किया है कि आपके हैं जिन्होंने कहा है कि भाई हाँ तमाम मित्र हमारे जिनको दवाई के रूप में डॉक्टरों ने बताया है एक पैग लगाने से स्वस्थ रहते हैं, दिन भर काम करने में ऊर्जा रहती है, कई हमारे साथियों ने बताया। अब जिनके किसी के लिए दवा हो सकती है और किसी के लिए अगर नुकसानदायक है तो उसको जबरदस्ती कौन पिला रहा, उसकी इच्छा है पिए ना पिए, कोई प्रतिबंध ऐसे लगाता है? जन जागरण करा शिवराज सिंह जी, अगर ज़्यादा चिंता है तो घर द्वार छोड़कर प्रदेश में जाके जनता को जागृत करें कि शराब पीना उचित नहीं है, नशाबंदी होना चाहिए। अभी फिलहाल कोई ऐसी सरकार के नहीं कि नशाबंदी होगी। नशाबंदी बिल्कुल हम तो पूरी तरह से मेरी माँ खुद का मन है कि अभी शराबबंदी जबरदस्ती ना की जाए, आदमी की इच्छा के अनुरूप जनता के
मांग पर, जनता के आचरण पर, जनता की डिमांड पर ही प्रतिबंध लगाया जाए। जबरदस्ती प्रतिबंध लगाना कांग्रेस की मानसिकता नहीं है।